बेडरूम में मिला लिपिक का शव, अज्ञात बदमाशों ने की युवक की हत्या। मौके में फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस अधीक्षक अभिनंदन भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र के नारायणी रोड नगर पालिका के पास हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां पर हिंदू इंटर कॉलेज में बाबू के पद पर तैनात 40 वर्षीय रामू और प्रदीप पुत्र राम प्रताप की उसी के घर घर में कमरे के अंदर अज्ञात बदमाशों ने घुसकर युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी, जहाँ पर मृतक अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए था, लेकिन अज्ञात बदमाशों ने हत्या करने के बाद सीसीटीवी की सीडीआर भी उखाड़ कर ले गए। वहीं मृतक की पुत्री ने पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया, जहां पर मौके में पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक पत्नी सहित तीन पुत्रियों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? माही। माही, कहां के रहने वाली है? नारायणी रोड। क्या घटना हुई है? कल मेरे पापा खाने लेके आए थे, तो मेरी मम्मी को चिल्ला रहे थे, तो मेरी मम्मी अंदर थी, अंदर गेट लगा के घुस गई थी, तो मेरे पापा ने बाहर से आके गेट लगा दिया, फिर पता नहीं मेरे गला काट दिया और यहाँ पर ताला लगा दिया और सब जगह गेट खुले थे, नीचे के भी और ऊपर के भी। तो कहाँ पर गला काट के फेंका गया था, कहाँ पड़े थे? अपने कमरे में, जहाँ कैमरे टीवी लगी है अपने पास। क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था कभी? हाँ, कल के दिन हुआ था, सूरज चाचा लोगों से, सूरज गुप्ता है जो सामने रहते हैं, उनसे झगड़ा हुआ था। हाँ। क्या कोई शंका है किसी पर? किस पर? छोटू चाचा पे, तो छोटू चाचा मौली के चाचा है, वो हमेशा घर आते रहते हैं हमारे और मेरे पापा, मतलब उन्हीं के साथ, तो मेरी मम्मी जब डांटते उनको दारते रहते, तो मेरी मम्मी जब डांटती तो वो मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते, लड़ाई करते मम्मी से। क्या चाहते हैं आप? कितनी बहने हैं आप? हम लोग को सूचना मिली कि थाना अतर्रा क्षेत्र में कस्बे में एक व्यक्ति जिसका नाम रामू चौरिया है, उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच की है, उनकी घर में ही हत्या हो गई है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहां मौके पर पहुंचे, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड वगैरह के साथ पूरे सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने देखा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया चीज़ सामने आ रही है कि इनका, मृतक का जो है, संपत्ति का विवाद इनके भाई से चल रहा था, जिसको लेकर लगातार इन लोगों के बीच में कशीदगी बनी हुई थी। इसके अलावा जो दो सस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ कल ये देर रात तक शराब पी रहे थे, उनको भी हम लोग पुलिस हिरासत में लेके उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से शिवानी सिंह गौतम की।